नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और अब वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह व सांसद नायब सैनी पहुंचे कैथल। कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी व पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह कैथल के डांड रोड स्थित अमृत पैलेस में आयोजित शक्ति केंद्र प्रमुख बैठक में पहुँचे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि 8 सितंबर को रोहतक में जन आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां विशेष रूप से मौजूद 3 लाख से भी ज्यादा पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। जो यात्रा है आशीर्वाद यात्रा है, उसका समापन है 8 तारीख को रोहतक में और समापन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। इसमें एक नई पहल है हमारी कि जो भीड़ है, वैसे तो मोदी जी के नाम से वैसे ही लाखों लोग आते हैं, लेकिन ये भीड़ थोड़ी सी अलग से होगी। ये उन लोगों की भीड़ होगी जो पन्ना प्रमुख है और पन्ना प्रमुख 3,000 और 3,200 के बीच में एवरेज है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो 3 लाख के करीब ऐसे पन्ना प्रमुख हैं जिनको हम एंट्री पासेस से, क्योंकि उनको भी ये थोड़ा सा आवाज हो के हम साधारण सुनने वाले नहीं बल्कि हम पार्टी के विशेष आमंत्रित हैं, तो एंट्री के उनको हम पत्र भी देंगे और पन्ना भी जब वहाँ ये बात चले कि पन्ना प्रमुख कौन आए, ऐसे तो दूसरे लोग भी आएंगे। अब जैसे मैं पन्ना प्रमुख नहीं आऊँ तो मैं भी लेकिन उनके पास पन्ने होंगे, जब पूछा जाएगा तो वो अपने पन्ने से अपने आप को दिखाएंगे कि हम आए हैं। और ये इलेक्शन 8 तारीख के बाद किसी दिन भी आचार संहिता लग सकती है, तो एक प्रधानमंत्री आह्वान करेंगे हरियाणा की जनता को कि हमने जो काम किया है, चाहे केंद्र सरकार ने किया चाहे फिर बाद में हरियाणा सरकार ने किया, ये एक नई पद्धति का शुरुआत है जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम 5 साल के लिए और लोगों से, हरियाणा के मतदाताओं से आग्रह करेंगे ताकि मजबूत स्थिति में आके, पहले 47 सीटें जीते थे, अब की बार उल्टा है, बल्कि उल्टे को हमने एक बार बढ़ा के किया है, यानी 47 को अगर आप 74 करो प्लस 1 तो जरूरी है। कैथल से रेनु धीमान की रिपोर्ट और इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी। We'll be right back.